हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी कॉल। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस काफी भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं। 20 मई 2021 को डेली केसेस 2.5 लाख से भी ऊपर पहुंच गए थे और डेली डेथ 4,000 से भी ऊपर पहुंच गई थी। तो इस तरीके की खतरनाक सिचुएशन के चलते इंडिया में एक ब्लैक फंगस नाम का इन्फेक्शन भी कुछ टाइम पहले आया था, और अभी रिसेंटली पटना के 4 पेशेंट्स में व्हाइट फंगस इन्फेक्शन को डिस्कवर किया गया। तो ब्लैक फंगस के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उन सब के लिए बोला गया था कि जो ब्लैक फंगस या फिर म्यूकर माइकोसिस जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है उसको एपिडेमिक घोषित कर देना चाहिए। इसको म्यूकर माइकोसिस इस वजह से जाना जाता है क्योंकि एक फंगस है जिसका नाम है म्यूकर, उसकी वजह से ये होता है, जिसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज जो है आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि काफी एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है। ये बेसिकली 10 लाख लोगों में से किसी एक पे अफेक्ट करता है। बट यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है इसकी मोर्टेलिटी रेट, जो कि इसकी 50% या उससे भी ज्यादा है, जिसका मतलब सिंपल टर्म में हम यहाँ पे समझ सकते हैं जब किसी पर्सन में, किसी पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन एंटर होता है और अगर उसकी प्रोग्रेशन को टाइम पर चेक नहीं किया जाता अर्ली स्टेज में, तो 50 से 80% जो पेशेंट्स हैं उनकी डेथ इसकी वजह से हो सकती है, जो कि हमारे एनवायरमेंट में कहीं पे भी पाया जाता है। जनरली होता क्या है कि जैसे ये जो फंगस है ये जब भी हम इनहेल करते हैं, जब भी ब्रीदिंग करते हैं, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होता है। कभी कभी कोई वुंड हो गया, मतलब कोई घाव हो गया, या फिर स्किन के थ्रू भी हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। बट अगर ये हमारी बॉडी में साइनस के थ्रू, मतलब साइनस जो कि हमारे नोज के और हेड के पास में जो ये बोन्स होती हैं, हड्डियां जो होती हैं इनको बोला जाता है, इनके थ्रू अगर ये हमारी बॉडी में एंटर होता है तो इसकी वजह से हमारे जो आईज हैं और जो ब्रेन है उस पे काफी भयंकर इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके कई सारे सिम्टम्स हैं जिनकी हेल्प से इस फंगस के बारे में पता लगाया जा सकता है। जैसे फीवर होने लगता है, हेडेक होने लगती है, कफिंग की सिचुएशन आ जाती है, ब्रेथ में शॉर्टनेस भी होने लगती है, उसके अलावा जो हमारी आईज होती है उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो रेड होने लगता है, उसके अलावा जो बाहर की स्किन है उस पर स्वेलिंग होने लगती है, और कभी कभी डबल विजन की सिचुएशन भी आती है। उसके अलावा जो हमारा पूरा फेस होता है उस पर एक नमनेस सी आ जाती है, माउथ को ओपन करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, किसी चीज को चबाने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, और नोज से ब्लीडिंग की सिचुएशन के साथ साथ कभी कभी खून की उल्टियां भी इस टाइप के केसेस में देखने को मिलती हैं। और इन सब सिम्टम्स की वजह से जो हमारे लंग्स होते हैं या फिर जो हमारा साइनस वाला रीजन है उन सब पे इस फंगस इन्फेक्शन का काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जनरली होता है क्या कि जैसे कोई भी पेशेंट जो है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम काफी कम है, मतलब कि जो जर्म्स हो गए या फिर कोई भी छोटी मोटी सिकनेस है वो उससे फाइट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको सबसे जल्दी ये जो इन्फेक्शन है इसकी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके अलावा जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स हो गए, कैंसर के पेशेंट्स हो गए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हो गए, या फिर COVID-19 के पेशेंट जो कि रिकवर हो रहे हैं या फिर जिनको हॉस्पिटल में रखा गया है, मतलब मेनली अगर हम देखें तो यहाँ पे वो सारे पेशेंट्स जिनको कि एस्टेरॉइड से ट्रीट किया जाता है या फिर इस टाइप की जो भी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है उन सब से ट्रीट किया जाता है, उन सब पे काफी भयंकर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर इस टाइप की सिचुएशंस होती है तो उन सबको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इस टाइप के सिम्टम्स या फिर वार्निंग जो आती है उन सबको मिस नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हो गए या फिर डस्टी एरिया जो है जहाँ पे अगर आपके द्वारा विजिट किया जा रहा है तो वहां पर अपना मास्क लगा के जाएं, पूरे शूज पहने, उसके अलावा लॉन्ग ट्राउजर्स जो है उनका यूज करें, लॉन्ग स्लीव की शर्ट्स को पहना जाए, और जब जाते हैं ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे तो ग्लव्स वगैरह भी अपने हाथ में होने चाहिए। तो इस तरीके से खुद को इस फंगस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और अभी रिसेंटली व्हाइट फंगस को भी रिपोर्ट किया गया पटना के एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे 4 पेशेंट्स में इस फंगस का इन्फेक्शन को पाया गया, जो कि काफी डेडली और डेंजरस फंगस इन्फेक्शन है अगर हम इसको ब्लैक फंगस से कंपेयर करें, क्योंकि जो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है वो मेनली हमारे लंग्स पे इफेक्ट करता है, के अलावा कभी कभी साइनस वाला जो रीजन है वहां पे भी अफेक्ट करता है। बट जो व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन है इसका इम्पैक्ट हमारे नेल्स पे, स्किन पे, स्टोमक पे, किडनी पे, ब्रेन पे और प्राइवेट पार्ट्स पे भी होता है। और ये भी ब्लैक फंगस की तरह जिनका इम्यूनिटी सिस्टम लो है उन पे ही काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि जो व्हाइट फंगस के पेशेंट्स हैं उनमें ये देखा गया कि जो कोविड के सिम्टम्स हैं उस तरीके के सिम्टम्स उन सारे पेशेंट्स में पाए जाते हैं, बट वो अगर उनका कोविड टेस्ट किया जाता है तो वो उस टेस्ट में नेगेटिव होते हैं। और इस टाइप का जो इन्फेक्शन है इसको सीटी स्कैन या एक्सरे की हेल्प से डायग्नोज किया जा सकता है। तो सिंपल टर्म में मतलब यहाँ पे ये हो गया कि चाहे वो ब्लैक फंगस हो या फिर व्हाइट फंगस हो, अगर किसी पेशेंट्स का जो इम्यूनिटी सिस्टम हो काफी ज्यादा वीक है, अगर कोई डायबिटीज या कैंसर का पेशेंट है, या फिर वो कोई ऐसा पेशेंट है जिसके द्वारा एस्टेरॉइड्स को
काफी लंबे पीरियड से लिया जा रहा है, तो उन सब के लिए ये दोनों जो फंगस इन्फेक्शन है काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, उन सब के लिए भी ये काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज कर सकते हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस इन्फेक्शन के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव गुड डे।